जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, भाव से भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान उसी पल हमारी मदद करते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं उसे सुनाने वाला चाहिए। जब उसे भाव से तुम सुनाओगे, भाव से उसे पुकारोगे, तो वो उसी पल मदद करते हैं। यकीन ना हो तो भाव से उसको पुकार के देखो, उसके ऊपर समर्पण करके देखो, सब अर्पण कर दो उस पे। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करते हैं वो परमात्मा करते हैं। जब तुम इस भाव से उसको पुकारोगे ना, वो तुरंत हाजिर होंगे। क्योंकि प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। प्यारे भक्तों, भाव के भूखे हैं भगवान, बस केवल और केवल भाव ही एक सार है, और जिसने भगवान को भाव से भज लिया फिर उसका तो बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव बिन जितना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। अब बिना भाव के तुम सारी जिंदगी राम राम करते रहो तो वो कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो आर्त भाव निकल के आ गया, उसी दिन वो मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के द्वारा बताती हूँ कि किस प्रकार जब उन्होंने भाव से, दिल से और उनके ऊपर अर्पण करके पुकारा तो भगवान ने उनकी मदद की। प्यारे भक्तों, ये महेश जी के जीवन की एक सच्ची घटना है। 2010 8 अप्रैल की बात है। वो हरिद्वार गए थे अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए। जब वो ऊपर मनसा देवी के दर्शन करने के लिए गए तो उनके साथ एक 6 साल की लड़की भी थी। तो प्यारे भक्तों, ऐसा हुआ कि वो लड़की उनसे बिछुड़ गई। जब लड़की बिछुड़ गई यानी लड़की खो गई, तो जब उन्होंने देखा कि लड़की तो है नहीं साथ, तो बहुत परेशान हुए सब। इधर उधर ढूंढते रहे ढूंढते रहे, कई घंटे हो गए प्यारे भक्तों, कई घंटे ढूंढने के बाद तो परेशान हो गए। जबकि वहाँ पे लोग तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परंतु काम का कोई नहीं था, कोई मदद नहीं कर रहा था। तो प्यारे भक्तों, फिर उन्होंने भगवान को पुकार लगाई, गंगा मैया को पुकारा दिल से। गंगा मैया को कहा, हे गंगा मैया, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, हम तेरे दर पे आए हैं और ये हमारे साथ क्या हो गया, हमें उस लड़की का पता बताओ। गंगा मैया, तू ही सब कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं जानते। तो प्यारे भक्तों, उनके अंदर से वो आर्त भाव निकला, वो समर्पण भाव निकला, दिल से भाव निकला। तो प्यारे भक्तों, जैसे ही उन्हें पुकारा और उनके अंदर दिल से तुरंत आवाज़ आई कि तुम कहाँ घूम रहे हो लड़की को ढूंढने के लिए, लड़की तो वहाँ है जहाँ तुमने जूते उतारे थे। तो प्यारे भक्तों, वो एकदम से सीधे वहीं गए और वाकई में वो लड़की वहीं पर खड़ी खड़ी रो रही थी। जाके उन्होंने उसे गले से लगा लिया और गंगा मैया का उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद किया। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसी है गंगा मैया। किसी भी भगवान को मानते हो आप, किसी के ऊपर भी आप समर्पित कर दोगे, भाव से पुकारोगे, तो तुरंत मदद करते हैं, तुरंत। भाव में ताकत इतनी होती है कि भाव के कारण ही दुर्योधन की मेवात छोड़ी और साग विदुर को खायो। तो जहाँ भाव होता है वहाँ तो सूखी रोटी भी खाते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे वो। तो प्यारे भक्तों, भाव से जब उन्हें पुकारोगे तो वो उसी पल हाजिर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।